हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7.2। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए पार्ट इज द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। बी पार्ट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम कौन से सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, एसी सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। एसी सर्किट में वोल्टेज की पीक वैल्यू हमें दी हुई है 300 वोल्ट। देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है पीक वोल्टेज है ये, ठीक है। तो पीक वोल्टेज है 300 वोल्ट। कौन सा सर्किट है, एसी सर्किट है। क्या निकालना है, आरएमएस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आरएमएस करंट दी हुई है। सर्किट कौन सा है, एसी सर्किट है, और करंट की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर। निकालना है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो सिंपल बात है, आपको सिर्फ आरएमएस और पीक में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो करंट का पीक और आरएमएस का रिलेशन हो, चाहे वो वोल्टेज का पीक और आरएमएस रिलेशन हो, तो आरएमएस और पीक को आप ऐसे रिलेट करेंगे, पीक या मैक्सिमम, पीक बोलिए या मैक्सिमम बोलिए, ठीक है। इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होती है, जो कि पीक में आपको शायद समझ ना आए। तो पीक वैल्यू बड़ी होती है, आरएमएस वैल्यू स्मॉलर होती है। तो आरएमएस गिवन हो और पीक निकालनी हो तो रूट टू फैक्टर, आपको ध्यान रहेगा कि रूट टू फैक्टर आता है इन दोनों के रिलेशन में, तो आप रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे आरएमएस वैल्यू को तो पीक वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि पीक वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर आरएमएस निकालनी हो, पीक वैल्यू दे रखी हो, तो पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर दीजिए। रूट टू से डिवाइड करने का मतलब है रूट टू वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, विच इज मोर देन वन। अगर मोर देन वन वाली वैल्यू से आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम से छोटी वैल्यू लेकर आनी है तो रूट टू से डिवाइड करो, और अगर छोटी से बड़ी वैल्यू लेकर आनी है तो रूट टू से मल्टीप्लाई करो, और फैक्टर कॉमन क्या है, रूट टू। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। हम डेटा को लिस्ट अप कर लेते हैं। वी आर गिवन दैट ई नॉट मतलब पीक वोल्टेज हमें दिया हुआ है 300 वोल्ट, आरएमएस निकालना है। आरएमएस और पीक का क्या रिलेशन है अभी बात की, पीक को रूट टू से डिवाइड कर दो, पीक वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय रूट टू, रूट टू नीचे नहीं होना चाहिए, या तो आप इसकी वैल्यू प्लेस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए, या रैशनलाइजेशन हम करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रूट टू से ही डिवाइड कीजिए, रूट टू से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर बन गया 300 रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू रूट टू विल बी 2, 150 इंटू रूट टू की वैल्यू है 1.414, इसकी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आया 212.1 वोल्ट, ये ईआरएमएस आ गया, ठीक है। बी पार्ट में आरएमएस वैल्यू दे रखी है करंट की हमें, और पीक वैल्यू निकालनी है। अब ये स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर से ग्रेटर कैसे निकालनी है, रूट टू से मल्टीप्लाई करके। तो आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आईआरएमएस, तो ये आ गया रूट टू इंटू 10। रूट टू की वैल्यू है 1.414 इंटू 10, इट विल बिकम 14.14 एम्पियर। तो ईआरएमएस की वैल्यू है, या आरएमएस वोल्टेज जो हमसे पूछी जा रही थी, वो वैल्यू है 212.1 वोल्ट फॉर फर्स्ट केस, और सेकंड केस में पीक वैल्यू ऑफ करंट है 14.14 एम्पियर, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। Thank you so much.